नमस्ते दोस्तों, देखिए कुछ तरह इस तरह से हमने कुछ आइडियाज़ दिए हैं आपको जो हमारे डेली यूज़ में काम आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे इस तरह से मेरी साड़ी हो गई, तो साड़ी में जब हम लोग सेफ्टी पिन लगाते हैं, जो ब्लाउज़ में लगाते हैं, तो जैसे थोड़ी भारी हुई साड़ी है तो इस तरह से लगाते हैं, तो डेली यूज़ में अगर पहनते हैं हम लोग, तो ये हमारे जो ब्लाउज़ हैं वो फट जाते हैं। जो सेफ्टी पिन का पीछे वाला राउंड वाला पार्ट होता है वो इसके अंदर फंस जाता है, फिर वो निकलता नहीं है, बहुत ही मुश्किल पड़ जाती है निकालना। तो इस तरह से देखिए, अगर आपके घर में फॉइल पेपर है या प्लास्टिक पन्नी आती है जो, वो भी है अगर आपके पास, तो इस तरह से देखिए फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम सेफ्टी पिन में इस तरह से अंदर डाल लेंगे और इसको अंदर जाके अच्छे से बिठा लेंगे। इसको इस तरह से देखिए, ये बैठ जाएगी। अब इस तरह से हम साड़ी में पिन लगाएंगे तो ये हमारी साड़ी के अंदर नहीं फंसेगा और आसानी से हमारी साड़ी भी निकल जाएगी, फंसेगा नहीं, तो हमारी साड़ी या ब्लाउज़ कुछ फटेगा नहीं। इसी तरह से हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा नंबर आता है, ये देखिए पेटीकोट। जैसे हम लोग पेटीकोट पहनते हैं, नाड़ा पड़ा होता है, अगर हम लोग एक ध्यान ना दें, अगर नाड़ा हम तेज़ी से खींच दें, तो अगर एक साइड का छोटा है तो वो अंदर की साइड में चला जाता है, फिर वो निकालना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि फिर हम पूरा ही हमें निकालना पड़ेगा, तभी वो दोबारा से हम इसको डाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, इस तरह से हम खींचते हुए दोनों तरफ के नाड़ों को बराबर कर लेंगे। इस तरह से देखिए, दोनों साइड हमें बराबर कर लेना है। इस तरह से देखिए, डोरी को हम बराबर कर लेंगे नाड़े को खींचकर, और बीच सेंटर जो है इसका, बीच का सेंटर निकाल लेंगे, और बीच के सेंटर में नाड़े के ऊपर से हम थोड़ी सी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से देखिए, ये हमने सिलाई लगा ली है, डबल करके सिलाई लगाई है। अब हम नाड़े को इधर से खींचेंगे तो भी नहीं हमारा निकलेगा, ना इस तरफ से भी निकलेगा, वो बीच में ही अटक जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो होगा, तो ये नाड़ा नहीं निकलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, अगर आपका पेटीकोट का नाड़ा थोड़ा छोटा भी है तो भी वो अंदर को नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट आइडिया हमारा, देखिए जो हमारी मैक्सी है, इसकी हमारी जिप ख़राब हो गई है, तो इसको हम क्या करेंगे, अगर ऐसे पहनो तो ये अच्छी नहीं लगती है, तो इसको क्या करेंगे, इस जिप को हम निकाल कर हटा देंगे, यहाँ पर हम दूसरी जिप अटैच कर लें या काज बटन कर लें इसमें। तो इस तरह से ओपन, ऊपर से ओपन करके पूरी सी इसको हम हटा देंगे। इस तरह से देखिए, जिप को पूरी हमने इस तरह से खींचते हुए हटा देंगे। और ये हमने एक जिप ले ली है, इसमें हम रनर को ऐड कर लेंगे। रनर को ऐड करने के बाद हमें क्या करना, जहाँ पे हमारी वो जिप अटैच थी वहीं पे हमें इसी तरह से रखते हुए जिप को अटैच कर लेना, जितनी एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके हटा देंगे। और जिप हम इस तरह से डालेंगे, हम पहले उसको चेक कर लेंगे कि ऊपर से डालते समय हमारी नीचे को खुले और ऊपर को बंद हो, उल्टी कहीं, ये ध्यान दीजिएगा कि कहीं उल्टी ना लग जाए हमारी चैन जो है। रनर को हम देखिए इस तरह से डालेंगे, इस तरह से रनर को डालना बहुत ही आसान हो जाता है। और आप क्या करेंगे, देखिए इस तरह से, जैसे ये ऊपर की तरफ खुल रही है तो हम इसको इस तरह से रखेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे, और ऊपर से हमें जो कपड़ा है हमारी मैक्सी का, उसको रखते हुए फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से इसके ऊपर से रखते हुए लगाएंगे और ऊपर से फोल्ड करते जाए, फोल्ड कर देंगे जहाँ पे जिप ऊपर से ओपन होगी, नहीं तो रनर निकल जाएगा ये, तो ऊपर कपड़े में ही रखकर कपड़े को चैन में फोल्ड कर देना है पूरे में। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये छोटे छोटे आइडिया हैं, हमारे डेली बेसिस में काफ़ी काम आते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए हमारी जिप इस तरह से, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको ऐसे ओपन करना, और ये जो कपड़ा है इसको इस तरह से रखना है, ऊपर से फोल्ड कर देना है, इस तरह से फोल्ड करके हम इसे लगा। छोटे छोटे आइडिया जो भी हम लोग अपना घर में यूज़ करते हैं उन चीज़ों को, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमने देखी, आइडिया दिए हैं आपको जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं।
तो ये देखिए हमारी जिप अटैच हो चुकी है और ये हमारी मैक्सी जो है ये अच्छे से बनकर रेडी हो गई है। और नहीं तो ये ऐसी जिप ख़राब चैन जो होती है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, रेडीमेड वाली जो ऐसी आती हैं। तो ये मेरी अभी न्यू ही थी, अभी मैंने 4-6 दिन पहनी और ये इसकी चैन ख़राब हो गई। तो इस तरह से अब ये देखिए हमने न्यू चैन इसमें डाली है, तो अब ये हमारी चैन बहुत अच्छे से ये रेडी हो चुकी है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा आप। तो ये देखिए जो बच्चों के छोटे बेबी के पैंट होते हैं या बड़े बच्चे भी हैं उनके इस तरह से इलास्टिक अगर पड़ी है और तो ये लूज़ होते हैं तो खिसकते रहते हैं, तो बच्चों को थोड़ा उठाने पहनाने में दिक्कत होती है। तो क्या करेंगे, देखिए इसका हमने वीडियो पहले बनाया था लेकिन वो मेरा वीडियो जो है वो डिलीट हो गया है, दोबारा से मैंने इसको बता दिया है। तो देखिए इस तरह से क्या करेंगे, ये अंदर साइड से थोड़ा सा कपड़ा हमें लेना है और कैंची से इस तरह से कट कर देना है। कट करके जो जितनी इलास्टिक हमें खींच लेंगे, इलास्टिक हम जितनी बड़ी होगी उतनी खींच कर निकाल लेंगे और जितनी हमें रखनी होगी उतने में हम सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा जो भी होगी उसको इस तरह से कट करके हटा देंगे और इलास्टिक में अच्छे से सिलाई लगा देंगे ताकि वो ओपन ना हो। अब इस तरह से जो ये ओपन जहाँ से हमने कट किया था तो ये पार्ट ओपन होगा, तो इस तरह से दोनों पार्ट को पकड़ना है और इस तरह से सुई धागे की सहायता से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए ये हमारा पैंट जो बेबी का पैंट था ये बनकर रेडी हो गया है। तो अब ये खिसकेगा नहीं और ये बच्चे अच्छे से आसानी से पहन सकेंगे। तो प्लीज़ वीडियो कैसी लगी है आपको।